हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। वी आर स्टडिंग अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11। व्हाट वी हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड अप टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटकर। पर उस जो पांचों क्लासिफिकेशन और उसके डिटेल के बाद भी उसमें कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे वायरसेस, वीरियॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तो जो भी हमें इल इफ़ेक्ट होते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, कोल्ड के या फ्लू के, तो जो भी हमारे इफ़ेक्ट होता है वो किस कारण होता है? वायरसेस के कारण। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर ट्रूली लिविंग। ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता वायरसेस को। वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट आर characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Cell को actually viruses को living नहीं माना जाता, इसीलिए उसको classification में नहीं लिया गया, उनको non-cellular माना गया है। उनकी inert crystalline structure होता है living cell के बाहर। okay, ये देखिए ये structure है tobacco mosaic, जो ये structure है वो किसका है? tobacco mosaic virus का ये जो structure, और ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। वंस द इन्फेक्टेड सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट द सेल। एक बार उन्होंने एक सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं तो उसका सारा काम काज वो अपने तरीके से संभालते हैं, और बीमार हो जाओगे उसके बाद, कई बार लोग मर भी जाते हैं बाई किलिंग द होस्ट। वायरस का मतलब ही वेनम और पॉइजनस फ्लूइड है, मतलब ये बहुत जहरीला होता है। डिमिट्री इवांस्की 1892 में उसने एक माइक्रोब को स्टडी किया जो कि मोजैक ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजैक डिजीज ऑफ टबैको। टबैको वही जो तंबाकू जो हम हिंदी में बोलते हैं, डेट इज़ टबैको। ये जो कि हमारा 2.6A डायग्राम में बना हुआ है। दीज वर फाइंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ये इसमें हमें डायग्राम में लार्ज करके दिखाया गया है। ओके, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। क्यों उससे स्मॉल होते हैं? कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं, कि बैक्टीरिया जिसमें से पास नहीं करते उसमें से भी पास हो जाते हैं कौन? वायरसेस। फिर MW बेजरनेक ने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबैको। किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट लिया? जो तंबाकू का, जो टबैको का प्लांट है जो इन्फेक्टेड हुआ हुआ है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। क्यों उसको स्टडी करने के लिए? क्योंकि वो हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन कैसे फैलता है उसको स्टडी करने के लिए इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को स्टडी किया, और उसने न्यू पैथोजन निकाला, उसका नाम रखा वायरस। ओके, टबैको का जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसको एक्सट्रैक्ट लेके स्टडी किया, और उस इन्फेक्शन का नाम दिया, इन्फेक्शन से न्यू पैथोजन उसने इन्वेंट किया, वो था वायरस। रिकॉग्नाइज किया वो था वायरस, और उस फ्लूड को उसने कराया कॉन्टेजियम विनम फ्लूडम। फ्लूडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। WM स्टैनले ने 1935 में ये शो किया, 1935 में जो स्टैनले था उसने ये शो किया कि जो ये वायरस है, शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और ये ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। इनर्ट मतलब वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो डेवलप हो जाते हैं। दे आर पैरासाइट, ये दूसरे होस्ट में जाके उसको किल कर देते हैं। वायरसेस कंटेन्स प्रोटीन के साथ, इसमें RNA और DNA भी होता है। कोई भी वायरस में दोनों RNA और DNA होता। वायरस में न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। जो प्लांट्स में इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स वो सिंगल भी होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होते हैं या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी होते हैं। पर जो
प्लांट में इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. ओके, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस. वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं दैट इन्फेक्ट है. ये वायरस वो होते हैं, बैक्टीरियोफेज क्यों बोला है, ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. ओके, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैस्पेड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स. द प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं. ये रहा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर और ये टोबैको मोज़ेक. तो प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. इसके अंदर सब यूनिट्स होती है, प्रोटीन कोट होता है, कैप्सिड होता है जिसकी सब यूनिट को कैप्सोमियर्स बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है. और ये कैप्सोमियर्स हेलिकल फॉर्म में होते हैं. वायरसेस कॉज डिजीज लाइक कौन से डिजीज होते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा. एड्स इन ह्यूमन ऑल्सो कॉज बाई वायरस. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, जैसे लीफ का रोल हो जाना, कर्ल हो जाना, पीला हो जाना, उसका येल्लो हो जाना, या उसकी वेंस का छोटा हो जाना, या स्टंटेड ग्रोथ हो जाना कि प्लांट डेवलप नहीं होना, ये सब वायरस के कारण होता है. वायरस के इन्फेक्शन के कारण ये होता है. ये देखो, ये रहा इसमें बताया कैप्सिड. स्मॉल यूनिट्स को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स. ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है. ये देखो जो हमने पढ़ा था, प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. दे आर फॉर्म्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स. अब नेक्स्ट है विरोइड्स. इन 1971 डिस्कवर्ड न्यू टीओडीएन डाइनियर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वॉज स्मॉलर देन वायरस से भी छोटा है. उसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर ड्यूजीज. इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आर एन ए. फ्री आर एन ए बोलते थे और इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती है जो कि वायरसेस में पाई जाती है. इट लैक्स द प्रोटीन कोट और इसका मॉलिकुलर वेट भी लो होता है. फिर प्रियॉन्स. इन मॉडर्न मेडिसन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो होते हैं वो एक एजेंट से करते हैं. एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है ये, प्रियॉन्स बोलते हैं. कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन और इससे क्या, ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो जाते हैं. द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय द एजेंट वाज सिमिलर प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉगस फिलियर जैकब डिजीज इन. मैड काउ डिजीज किस कारण होता है, इसी कारण होता है. मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफलोपैथी बीएससी या मैड काउ डिजीज हम याद कर सकते हैं प्रियॉन्स से. लाइकेंस. लाइकेंस आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन. एल्गी और फंगाई के सिम्बियोटिक एसोसिएशन से लाइकेन का डेवलपमेंट होता है. द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायंट. ओके, एल्गी वाला जो कंपोनेंट है उसको फाइकोबायंट बोलेंगे और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट बोलेंगे. विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक. फाइकोबायंट है वो जो है ऑटोट्रॉफिक है, एक हीटरोट्रॉफिक है. एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. एल्गी क्या करता है, एल्गी जो है वो फाइकोबायंट है, वो ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना फूड प्रिपेयर करता है और शेल्टर और प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई, उसकी बदले फंगाई उसे शेल्टर देता है एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इट वंस शोज अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम. लाइकेंस क्या होते हैं, मिल के काम करता है, मिल के अपना खाना बनाते हैं और दूसरे को एल्गी प्रिपेयर करता है फूड और फंगाई उसको शेल्टर देता है और एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स. इनको हम अलग अलग नहीं कह सकते,
ये मिलके काम करते हैं एल्गी और फंगाई, किस में? लाइकेन में। लाइकेन वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, दे डू नॉट ग्रो। लाइकेन पॉल्यूटेड एरियाज़ में आपको नहीं मिलेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने वायरस के बारे में पढ़ा। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 क्लासिफिकेशन पढ़े उस उसके बाद हमने ये टॉपिक लिया वायरसेस का, वीरियड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, जो कि उसके अंदर नहीं थे क्लासिफिकेशन में, बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनका डायग्राम पढ़ा, टोबैको मोजैक वायरस, बैक्टीरियोफेज, और फिर इनका डिटेल पढ़ा। तो इसको जितना बार बार आप सुनोगे, रिपीट करोगे, उतना अच्छा लर्न होगा। और कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या दोबारा पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर दीजिए। और इसके जो पहले के हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले के मेरे वीडियोस देख के इस चैप्टर को आप क्लियरली लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, 3rd चैप्टर। ओके, थैंक यू।